पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरकर जिंदा हो गए। जी हाँ, आज दोपहर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि हनीफ मोहम्मद का निधन हो गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी उनकी मौत पर शोक जता दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही इस बात की पुष्टि की गई है खबर गलत है और हनीफ मोहम्मद जिंदा है। दरअसल क्रिकेटर हनीफ फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। आज लगभग 6 मिनट तक उनकी सांस थम गई थी, जिसके चलते यह भ्रम की स्थिति बन गई कि वो अब नहीं रहे। आपको बता दें कि हनीफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। वह 1954 और 55 में भारत की दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सदस्य थे। उन्होंने अपने करियर में 55 टेस्ट मैच खेले थे। हनीफ पाकिस्तान की तरफ से 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 81 साल के हनीफ फिलहाल खैरियत से हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।